लेस वॉल्यूम का इशू था वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है रीग्रोथ भी वही चीज़ के वॉल्यूम अगर आपका बड़ा है तो रीग्रोथ ही, रीग्रोथ यही है कि आपके पोर्स क्लीन होंगे, ठीक है, तो उसको जगह मिलेगी, लिथियम वाले शैम्पूज यूज़ नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो रीग्रोथ होना शुरू, बिकॉज इंटरनली तो नहीं रुकती ना रीग्रोथ हमारी, लेकिन हम अगर ऊपर से जो चीज़ें वो कर रहे होते हैं तो उस वजह से हो जाता है। ये अक्सर ऐसा होता है, कभी मैं जल्दी में हूँ बहुत ज़्यादा, शैम्पू करके मैं, कंडीशनर का भी मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा भी हो जाता है कभी, तो मैं क्या करती हूँ नहाने के बाद गीले बालों में ही लगा देती हूँ, कंडीशनिंग का काम भी हो जाता है और बहुत अच्छा इसका जो है अफेक्ट रहता है, सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। ये मैंने इनके बालों में इसलिए आफ्टर वॉश, ये तो ट्रीटमेंट का भी है और आफ्टर वॉश स्पेशली इसलिए भी लगाया कि इनके ड्राई हेयर, ठीक है, तो नरिशमेंट का काम करता है। अच्छा, हॉट ऑयल गर्म करके जब लगाएंगे तो उसमें आपने नॉर्मल वार्म वाटर जो है वो लेना होता है कप में, और ट्यूब को जो है उसमें रख दें, उसे शेक करें, अच्छा इसकी थोड़ी क्वांट जो इसका जो टेक्सचर होता है वो भी थोड़ा सा थिन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म होता है तो लेट कट होते हैं हॉट हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट नहीं लगाना और ना बॉइलिंग वाटर में डालेगा तो फट जाएगी, ठीक हो गया, सही है। ये बस इनका इसी में रहेगा, हम इसको वॉश आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि ऑयली स्कैल्प को सिर्फ बोलिएगा कि वो बिफोर वॉश लगाए, मगर इसके अमेजिंग रिजल्ट्स, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं आफ्टर वॉश, बिकॉज वो स्कैल्प में रहता है। अभी देखेंगे आप जब इनके हम आप ड्रायर लगा दीजिए, इनका हम हेयर को थोड़ा सा ड्राई करेंगे, वहाँ सामने लग जाए या फिर कहाँ लग सकते हैं, स्विच को इसका वायर देखें इतना लंबा, ठीक है, तो हम इनके हेयर्स को ड्राई करेंगे और इसके बाद कैरेटिन की जो क्रीम है वो लगाएंगे हम। देखें एक्सटेंशन आपके पास होगा, एक्सटेंशन से लगाते हैं, ले आओ एक्सटेंशन, ठीक है, तो इनके हेयर्स को अब मैं ड्राई करूँगी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ड्राईनेस के, ड्राई होने के बाद हेयर को क्या रिजल्ट मिला है। एक्चुअली असल उसी वक्त समझ में आता है, गीले बाल तो वैसे भी हमारे, लेकिन खैर देखें इनका जो हेयर है वो काफ़ी हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, सॉफ्ट हो चुका है, अभी इनके मैं टेंगल भी निकालूँगी ताकि आप लोग को उससे भी आइडिया हो जाए उस हवाले से भी। तो अब जो लास्ट हमारा स्टेप होगा, ये हमने हॉट ऑयल भी इनका अप्लाई कर दिया, लास्ट स्टेप होगा हमारा स्लीक क्रीम, ठीक है, ये कैरेटिन क्रीम अप्लाई होगी, दिस इज स्पेशली फॉर स्टाइलिंग पर्पज ऑल्सो, ठीक है, स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ की जाती है और साथ ही साथ ये कैरेटिन यानी कि फ्रिजी हेयर्स को, बेबी नॉर्मल जो वेव होती है, अब जैसे मेरा भी इशू ये था कि हमारा नॉर्मल बेबी हेयर, ठीक है, ये जस्ट इतना वेव आता है, कर्ली हेयर नहीं, तो वो जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो फ्रिजीनेस ख़त्म होती है, सेटल्ड स्लीक लुक बाल हो जाती है, हाँ एग्जैक्टली, वो स्ट्रेट नेचुरल स्ट्रेट, उसको हम कहते हैं नेचुरल स्ट्रेट करता है, और ये उस वक्त तक रखता है, ये देखिए इसमें 24 आवर्स लॉन्ग लिखा हुआ है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये मीन्स कि ये जब तक आप इसको वॉश आउट नहीं करते तब तक ये आपके बालों में अफेक्ट सेम बरकरार रहता है, ये होगा, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत आला है, ठीक है, और प्लस ये स्टाइलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है, और वैसे मैंने आपको कहा जैसे फ्रिजी हेयर्स के लिए ये स्पेशली बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा ये मसला भी बहुत अच्छा हल हो गया था कि फ्रिजी मेरे बाल गर्मियों में स्पेशली मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते थे, ये यहाँ से बाल छोटा छोटा सा ना अच्छा नहीं लग रहा होता था, तो फिर इस वजह से जो है ये बड़ा अच्छा मुझे इसके जो है रिजल्ट मिले। इसके साथ उसमें हमारे पास इसका ही स्प्रे भी है, इसका स्प्रे भी हमारे पास आता है स्लीक हेयर का, और ये स्पेशली हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, अगर अभी हमारे पास टाइम बचा तो एक हेयर स्टाइल अगर आपने देखना है तो इस प्लेटफॉर्म में ही बेशक आप देखना चाहें तो वो भी हम करके दिखा सकते हैं आपको, ठीक है, और कोई अगर स्लीक क्रीम का देखना चाहेगा तो वो भी जी रेगुलर मीन्स जब आप वॉश करें तब इसको जो है वो कर लें। अच्छा, इसके अलावा आप लोग के पास जो भी सवाल हैं तो काइंडली, क्योंकि टाइम इस तरह का है कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी कंडक्ट कर लेते हैं, बस ये अब हम लास्ट क्रीम के हेयर्स को ड्राई करेंगे और आप लोग को रिज़ल्ट दिखाएंगे स्लीक क्रीम लगाने के बाद कि इनके हेयर्स का जो रिज़ल्ट है किस तरह का था, और ये फिर हमें हमारी जो मॉडल है वो बताएंगी कि वो जब अपने हेयर्स को उस वक्त लाहत लगाती थी और स्टॉप कर लेते हैं अब, अच्छा सेटअप चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक्सटेंशन भी, अच्छा एक्सटेंशन भी, ठीक है, सो
चाहिए. पॉज कर दूँ मैं? इसको मैं पॉज कर दूँगी.